اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है चौथा रोज़ा और उसकी इफ्तार की तैयारी हो रही है और मैं बनाती हूँ डब रोटी वाली खीर। और ये देखें, ये मैंने इस बाउल के नाप का दूध लिया है। मैं इतनी खीर बना रही हूँ और इसके लिए मैं दो डब रोटी के पीस लूँगी। ये डब रोटी के पीस बड़े थे तो मैंने इसलिए दो लिए हैं। एक मैं अपनी बेटी के लिए टोस्ट कर रही हूँ कि मैं उसको खिला सकूँ। और ये जो है मैंने दूध चढ़ाया हुआ है उबालने के लिए। और ये किचन की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। तो जी हमारे पास फ्रेश दूध इतना था नहीं और गाढ़ा करने का टाइम भी नहीं था, तो मैंने इसमें दो टेबलस्पून सूखे दूध के डाल दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा उससे गाढ़ा हो जाए। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो सूखे दूध की वो गुठली सी बन गई है डालने से वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसको थोड़ी देर पका लूँगी। मैं पकाने के बाद जो है डब रोटी जो है इसमें जो टोस्ट करने रखी हुई है उसको भी साथ साथ देख रही हूँ। डब रोटी जब टोस्ट हो जाएगी तो बस फिर वो भी मैंने इसके अंदर डाल देनी है इंशाल्लाह। और जो है आप सब अपनी दुआओं में, उम्मीद है रमज़ान है, दुआओं में आप सब अपनी मुझे याद रख रहे होंगे। मैं भी इंशाल्लाह सबको याद रख रही हूँ। और ये देखें डब रोटी के पीस टोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर और मैं इनको छोटे छोटे टुकड़े करके दूध के अंदर डाल दूँगी। और मैंने दूध के अंदर डाल के इसको थोड़ी देर पका लिया था और वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है और पका लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको जग में थोड़ी देर के लिए, वो जूसर का जग होता है उसके अंदर थोड़ी देर के लिए घुमा लिया था कि जिससे सारी डब रोटी जो है, ये देखिए मैंने इसमें घुमाया था और डब रोटी सारी जो है वो अब वो खीर की शक्ल में आ गई है। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसको जो है वो डोंगे में डाल ली और साथ ही मैं इसके ऊपर बादाम डाल लूँगी। और आज इफ्तारी में हम बना रहे हैं 7 बॉक्स पिटीज़ और ये सहरी इफ्तारी के ट्रे हैं जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और ये बर्गर जो है मैंने अपनी बेटी के लिए कल का गरम किया है कि मैं उसको खिला दूँ। और ये जो है दूध मैंने बना के रखा है और अफ्तारी का दस्तरखान मैं आपको अपना दिखा रही हूँ। ये दूध है और साथ इसमें बोतल रखी हुई है। आज मैंने रूह अफ़ज़ा और टैंक का मिक्स शरबत बनाया है और साथ हमने बनाए हैं बॉक्स पेटीज़ और जो मैंने इसकी मैं रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये डब रोटी वाली खीर है और ये आलू वाले समोसे हैं और साथ ही हैं आलू वाले पकोड़े और अंडे वाले पकोड़े और साथ हैं मैक्रोनी जो मेरी देवरानी ने बनाए हैं। तो जी ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी अफ्तारी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो है इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो है अल्लाह पाक से दुआएं करते रहिएगा जिस तरह ये मेरी बेटी करी है। यहाँ पर बैठ के अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठ के जो है दुआएं मांग रही थी और दुआएं मांगते 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 अचानक इसको याद आ गया कि मैंने चिड़िया उड़ी खेलना है तो ये वो खेलने लग गई। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।